हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक वी आर फाइन। सो HPSC के जो फॉर्म है वो निकल चुके थे, बच्चों ने फिल कर लिए। अब जो है बच्चों के मन में यही क्लियरिटी नहीं हो पा रही है और बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ की वजह से तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं कि मैम HPSC में हमारा तो होगा नहीं। हर एक बच्चे, किसी से भी आप बात कर लो, तैयारी कर जरूर रहे हैं लेकिन पूरे 100% कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं उनके मन में यही डाउट है कि मैम हमारा नहीं होगा। HPSC ने जो लेवल किया है वो बहुत ही मुश्किल कर दिया है, पहले ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव और फिर उसके साथ साथ इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस कर दी हैं, 3 स्टेजेस को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। तो रही बात, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वैकेंसी हैं वो फिल की जाएंगी, तो आप अपने माइंड में जो है ये क्लियरिटी ज़रूर कीजिएगा कि जो वैकेंसी निकली हुई हैं वो भर्ती की जाएंगी और वो हमारे जैसे कैंडिडेट्स यानी कि जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उन्हीं में से कुछ बच्चे होंगे जिनका कि सिलेक्शन होगा। वो बच्चे अलग से चांस से तो उतर के आएंगे नहीं, हम में से ही कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा। और वो किन का होगा? जो कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसीलिए इस असमंजस को छोड़िए कि लेवल इतना हाई है, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, आप अपना 100% परफॉर्मेंस दीजिए। हमारे साथ जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 80 बच्चे जो हैं हो चुके हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही लगन से और मेहनत से तैयारी करें। बाकी यही है कि जो हो रहा है सो हो रहा है, कुछ हो रहा है वो कर लेंगे, जो नहीं हो रहा उसकी टेंशन भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के बच्चे जो हैं और जो ये सोच रहे हैं कि भाई आपका हो जाएगा, तो उन बच्चों को उम्मीद तो नहीं लगानी चाहिए, बट वही है, अभी भी टाइम है, संभल जाओ और अपनी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे से अपना 100% परफॉर्मेंस देते हुए कीजिएगा। क्योंकि जो वैकेंसी निकली हैं जाहिर सी बात है वो तो फुल होंगी, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आपकी जगह पे कोई और होगा, लेकिन वैकेंसी ज़रूर फिल की जाएंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले रिग्रेट करना है या फिर बाद में। पहले आपको अपनी तैयारी से पहले, अगर आप तैयारी से पहले थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता आप अपनी तैयारी पूरी 100% मेहनत के साथ कर लोगे तो शायद आपको खुशी मिल जाए, लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी ढील बरतते हो तो गारंटीड है आपको आगे भी यही, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बगैर मेहनत के हो जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक खुशी की उम्मीद लेते हुए कि लास्ट में जब रिजल्ट्स आएगा तो हमें इसी का, जो इतने टाइम की मेहनत है, जो इतने रात दिन हम एक कर रहे हैं, उसी का जो है फल हमें मिलेगा। और वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि वो फल कैसा हो, मीठा हो, खट्टा हो, ठीक है। कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं, आगे बाद की बाद में देखी जाएगी। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हर बार मैं कहती हूँ। तो इसीलिए कोशिश करना मत छोड़िएगा, इस वहम में मत रहिएगा कि नहीं होगा। जी नहीं, अगर आप 100% परफॉर्मेंस दोगे तो क्या पता वो सीट्स आपकी ही हो, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ लगे रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कोई सिलेबस पूछते हो तो कॉमर्स सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो हम ज़रूर करते हैं। बाकी अदर्स सब्जेक्ट्स की तो देखो कुछ कह नहीं सकते, अब हम कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के ही कैंडिडेट्स की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। तो नेगेटिविटी से बाहर निकलिए और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आइए, और इसीलिए ये मोटिवेशनल वीडियो बनाई है ताकि जो बच्चे जिनका सिलेक्शन होना है वो भी हम में से ही हैं, ठीक है। लेकिन हम कम बनेंगे जब हम अपना 100% देंगे, नेगेटिविटी से बाहर निकल के पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जाएंगे। सो पॉजिटिव इन्वायरमेंट आई थिंक मिल गया होगा, अब जुट जाइए और कई घंटे लगातार मेहनत के बाद बताइएगा कैसा महसूस हुआ। सो थैंक यू सो मच।